चाहे वह सहारनपुर हो या शामली और मुजफ्फरनगर, चाहे वह बुंदेलखंड का चित्रकूट, बांदा, ललितपुर और झांसी जनपद हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर जैसे जनपदों को, विंध्य क्षेत्र के सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली के उस सुदूर नौगढ़ जैसे क्षेत्रों में जहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि यहां पर दरअसल 200 से ज्यादा करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, और इसी संदर्भ में यहां पहुंचे इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा नोएडा का रहेगा, लेकिन फिलहाल सुबह वो पहुंचे थे उत्तराखंड। अगर उसके पास अपना स्वयं का मुख्यालय नहीं, वो दूसरों की समस्या का समाधान कैसे करेगा? पुलिस अधीक्षक के पास जब स्वयं का मुख्यालय नहीं और अपनी फोर्स के लिए उनकी सुरक्षा और उनकी स्वयं की सुविधा की व्यवस्था नहीं, वह फोर्स कैसे आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान कर पाएगी? और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि जितने भी जनपद ऐसे हैं जहां जिला मुख्यालय नहीं बने हैं, प्राथमिकता के आधार पर वहां पर मुख्यालय के लिए पैसा उपलब्ध कराओ। जहां पुलिस लाइन नहीं है वहां पर पुलिस लाइन के लिए पैसा उपलब्ध कराओ। जहां पर पुलिस के जवानों के लिए आवासीय सुविधा नहीं, बैरक नहीं, वहां पर इसका निर्माण युद्ध क्षेत्र, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाते हुए हम तत्परता के साथ कर सकें, इन कार्यक्रमों को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर उन सभी जनपदों में जहां जिला मुख्यालय नहीं वहां जिला मुख्यालय के लिए पैसा दे दिया गया, जहां पुलिस लाइन नहीं वहां पुलिस लाइन के लिए पैसा दे दिया गया, पुलिस के जवानों के आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए पूरा पैसा उपलब्ध करा दिया गया, और हमारी पुलिस के पास अत्याधुनिक हथियार हो इसके लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त धनराशि देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी से उन्हें युक्त कर रहे हैं कि अपराधी कितनी ही दूर क्यों न छुपा हो, पुलिस के निशाने से वो बच नहीं पाएगा। और आज यही कारण है, अभी जब मैं यहां पर बोलने से पहले, जैसे ही मैं यहां पर बोलने के लिए खड़ा हुआ, यहां पर केराना से, कांदला से, शामली से और आसपास के जनपदों के सभी व्यापारी बंधु आए थे। इन लोगों ने आकर के इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि अब 3 वर्षों में स्थिति साफ बदलती हुई दिखाई दी कि पहले व्यापारी पलायन करते थे, आज अपराधी पलायन कर चुके हैं, व्यापारी वापस आ चुका है और अपना व्यापार सुगमता के साथ कर रहा है। हम लोगों ने इसी कार्य को तत्परता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा का माहौल पैदा हो, पहले चरण में भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से करने का कार्य किया। ये भर्ती की इस कार्रवाई में अब तक 1,37,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया है। और इसमें भी प्रयास किया है 20% जगह हमने प्रदेश की बालिकाओं को पुलिस में भर्ती करने के लिए दिया है। आप देख रहे होंगे यहां मेरी बाईं तरफ ये बड़ी मात्रा में थोड़ी खड़ी हो जाए, ये जितनी महिला रिक्रूट है खड़ी हो जाए थोड़ा अपनी जगह में, ये सब देखिए कितनी सब बालिकाएं, आगे भी इधर भी, यहां 20 नहीं यहां 80% है, हमारे ही बैठ जाए, हम लोग बैठ जाए, हमारे ही बीच की बालिकाएं हैं। और ये बालिकाएं जब पुलिस की अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हुए जब किसी थाने में, किसी चौकी में और किसी फील्ड में उतरेंगी, तो जो अपराधी अब तक बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ अपराध करके भय का माहौल पैदा करते थे, चौराहे पर दौड़ा दौड़ा करके यही बेटियां, यही बालिकाएं उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पकड़ करके पिटवाने का कार्य भी करेंगे। एक सुरक्षा का यह माहौल आवश्यक था कि इन्हें प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए हम लोगों ने बिना भेदभाव के,
मेरे पहले दिन से यह व्यवस्था थी कि प्रदेश के हमारे नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए। इसके लिए कोई भेदभाव न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न किसी अन्य बात के नाम पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है वो हमारा नौजवान है, उसकी ऊर्जा का उपयोग करके उत्तर प्रदेश में हम सरकारी नौकरी भी देंगे और प्राइवेट क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में नौकरी और रोजगार लाकर के उसे आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेंगे। और आज सब हमें प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये कार्यक्रम इसी दृष्टि से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है कि सुरक्षा सबको, सम्मान सबका, विकास की योजनाओं में भागीदारी सबकी, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। एक संकल्प, और इस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के नए भारत के साथ, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण की प्रक्रिया में हम सब बढ़ चले हैं। और उसी प्रक्रिया में आज मैं शामली जनपद में आप सबका आह्वान करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, बहुत कार्य यहां पर भी हुआ है और हमारे माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पदाधिकारीगण, ये जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं तब योजनाएं आ पाती हैं। याद करिए, 3 साल पहले आपको बिजली नहीं मिलती थी, आज तो बिजली मिल रही होगी ना? बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिजली मिल रही होगी। हमने इसलिए एक सब स्टेशन, बड़ा सब स्टेशन भी आपके यहां दे दिया है, कोई समस्या ना हो, ऐसा ना हो कि कोई और जनपद के लोग अपने यहां ज्यादा बिजली चाहते हो, यहां की बिजली काट दें। तो हमने कहा एक सब स्टेशन शामली के लिए ही अलग से दे दो। और भाइयों बहनों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। आप सोचिए, 1947 से 2016 तक, इन 69 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज खुले थे और हमारी सरकार पिछले 3 वर्ष के दौरान 29 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रदेश के अंदर कर रही है। इस समय आपका शामली जनपद बचा है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, और हम लोग तय कर चुके हैं 16 जनपद हैं ऐसे अभी हमारे पास जिनमें कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। हम लोगों ने उसके लिए एक पॉलिसी बना दी है कि आने वाले 1 वर्ष के दौरान इन सभी जनपदों में भी हम एक एक नया मेडिकल कॉलेज दे सके। एक नया मेडिकल कॉलेज दे करके लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उस क्षेत्र के लोगों के लिए दे सके। और यही कार्य हम लोगों ने सहारनपुर में भी किया। मां शाकंभरी देवी का दर्शन करने के लिए मैं पहले भी आता था, मैं देखता था वहां के लोगों की उपेक्षा। आज हम लोगों ने कहा है मां का शाकंभरी देवी के आसपास के क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए, और साथ साथ इस कमिश्नरी में भी एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। हम लोगों ने वह विश्वविद्यालय सहारनपुर में दे दिया है। जितनी जल्दी हमें जमीन मिल जाएगी उतनी जल्दी विश्वविद्यालय के निर्माण के कार्य को हम प्रारंभ कर देंगे। भाइयों बहनों, यह वही प्रदेश है। आखिर इस प्रदेश में आज हम पैसा कहां से निकाल रहे हैं? कारण साफ है, सरकारों की नीयत साफ होनी चाहिए। पैसा तो ये धरती माता स्वयं निकाल करके देती है। जो पैसा पहले माफिया, अपराधी, भ्रष्ट और बेमान राजनेता खा जाते थे, सरकारें हड़प जाती थी, वही पैसा निकाल निकाल करके हम विकास के लिए लगा रहे हैं। तभी सड़कें बन रही हैं, तभी विश्वविद्यालय बन रहे हैं, तभी पुलिस लाइन बन रही है, तभी पीएससी के लिए भी हम लोग पैसा उपलब्ध करा रहे हैं, पैसे की कमी नहीं। और तभी किसानों के गन्ना मूल्य का भी भुगतान हम कर पा रहे हैं। भाइयों बहनों, आप देखना, आप इस बात को देखना, अभी 1 साल के बाद पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला है, आज महाराष्ट्र और कर्नाटक हमारे साथ ही चीनी मिलों को आगे लेके चल रहे थे, लेकिन उनके यहां आधी चीनी मिलें बंद हो गई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चीनी का दाम था कम, भारत के अंदर था ज्यादा।
हमारे यहाँ की चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो सकती थी। मैंने सुरेश राणा जी से कहा, मैंने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम सरकार से पैसा देंगे लेकिन चीनी मिल बंद मत होने देना। चीनी मिल अगर बंद हो गई तो रोजगार भी छिनेगा लोगों का और किसान के पेट पर भी इसका बुरी विपरीत असर पड़ेगा। चीनी मिल बंद नहीं होगी और मुझे प्रसन्नता है आज भी हम 121 चीनी मिलों को उत्तर प्रदेश के अंदर चलाने का कार्य कर रहे हैं। अब भाइयों बहनों, ये जो चीनी मिलें चल रही हैं, 121 चीनी मिलें, आने वाले समय में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का दाम बढ़ेगा और हमने इन चीनी मिलों को इथेनॉल के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो चीनी मिल, इथेनॉल और खांडसारी उद्योग एक साथ जब चलेगा तो हम लोग हर वर्ष समय से गन्ना मूल्य का भुगतान कराने में भी सफल होंगे और किसानों के जीवन में बेहतर लाभ देने में हमें सफलता प्राप्त होगी। हमें उस दिशा की ओर एक नया प्रयास प्रारंभ करना है और इसके लिए मैं आप सबका सहयोग और समर्थन लेने के लिए भी आज आपके बीच आया हूं। हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास हुआ। पहले पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे हम लोग, आते थे, मुझे याद है 2014 में जब लोकसभा चुनाव में मैं आया था तब भी वही शिकायत थी, 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान में जब मैं आया था तब भी वही शिकायत थी, लोग कहते थे हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, तब भी लोग हमसे कहते थे कि यहां पर पर्व और त्योहार नहीं मना सकते। आज कोई कह नहीं सकता, आज तो हमने सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने का कार्य किया है, आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। पर्व और त्योहार भी आप मनाइए, चाहे वह जन्माष्टमी में हो, चाहे जन्माष्टमी का आयोजन हो, चाहे वह सावन माह में कावड़ की यात्रा हो, दीपावली का आयोजन हो या फिर होली का आयोजन हो, आप किसी को मुहर्रम मनाना हो या ईद मनाना हो या क्रिसमस मनाना हो या गुरु पर्व मनाना हो, हर एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है, वह कानून के दायरे में रह करके अगर अपने आप आयोजन करता, अपने धार्मिक आयोजनों को संपन्न करता है, सरकार पूरी सुरक्षा देगी, पूरी सुविधा देगी। लेकिन कानून को बंधक बना करके अगर कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं कानून को बंधक बना करके जबरन करने का कार्य करूंगा, सरकार हरगिज ये नहीं होने देगी। और हमारा जो संकल्प है कि हमने तोड़फोड़ आगजनी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसीलिए हाल ही की आगजनी में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, जिन्होंने आगजनी की थी भैया आपने जलाया है तो अब उसकी भरपाई भी कर लो, उन सबसे भरपाई भी कराने जा रहे हैं। ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, प्रदेश की 23 करोड़ जनता के टैक्स से बनी हुई संपत्ति है, इस संपत्ति के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट कभी भी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ शामली इस वक्त पहुंचे हुए हैं और यहां पर शामली को जो सौगातें दी हैं उनका जिक्र करने के साथ साथ ये बता रहे हैं कि जो भी कानूनी कार्रवाई में दखल देगा, बाधा बनेगा, उसका हिसाब किताब किया जाएगा।